मेरी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें। गुड मॉर्निंग भाई बंधु लोग। तो अभी ये है मेरा डे टू थिम्पू के अंदर और सुबह की शुरुआत की हमने फिर से इमिग्रेशन ऑफिस से। कल तो काम हुआ नहीं था, आज फॉर्म जमा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आधे घंटे में आप आ जाओ। तो आधे घंटे कुछ है नहीं करने को, तो सामने ठीक कुछ मार्केट्स है, लोकल मार्केट, और ये बिल्कुल है आपका इमिग्रेशन ऑफिस के अपोजिट। तो चलिए देखते हैं कि लोकल मार्केट कैसा है और फिर यहाँ से वापस इमिग्रेशन ऑफिस आएंगे जब हमारा परमिट यहाँ पे एक्सटेंड हो गया रहेगा। तो चलिए आपको घुमाता हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल जो लोकल मार्केट है। और सुबह बड़ी अच्छी हुई है, मस्त धूप है, ठंड भी है हल्की हल्की, अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुहावना मौसम है जिसे कहें। फीलिंग आ रही है कि स्विट्ज़रलैंड में हूँ अभी। रोड क्रॉस करते हैं और बेस्ट चीज़ मैं बताता हूँ कि जब आप रोड क्रॉस करने आएंगे तो इस तरह से गाड़ियाँ रुक जाएंगी और फिर आप रोड क्रॉस कर लेंगे। हमारे साथ हैं हमारे दौरजी साहब जो हमें ये सब चीज़ें घुमा रहे हैं, बहुत ही अच्छे गाइड भी हैं और हमें गाड़ी से घुमा भी रहे हैं अपने साथ, काफ़ी अच्छी सर्विस भी है इनकी। तो अगर आप लोग भी आएंगे तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छे से घुमाएंगे आप? अच्छा से घूमें, बहुत अच्छे से घुमाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे से घुमाएंगे आपको। तो ये मार्केट आगे लगता है, अभी खुला नहीं है सब कुछ, सुबह सुबह का टाइम है, बट जो मैं है वो दिखाता हूँ आपको। अच्छा है यार, चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी है, यहाँ की लोकल मेड है। प्राइसिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन देख सकते हो, और भी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे वैरायटी बहुत है क्योंकि ये पूरा मार्केट डेडिकेटेड है इसी तरह के सुवेनियर्स के लिए, तो अच्छा है, काफ़ी कलरफुल मार्केट है। जो लोगों को मैगनेट सबसे अच्छा एक सुवेनियर होता है ले जाने के लिए, मैगनेट दे दिया लोगों को, चिले जाने के बाद ये लेके जाएगा ना, ये लेके जाएगा तो ये अपना खुद का अच्छा के लिए, अच्छा दुर्घटना ना हो, आपको लोदर ना हो, इसी के लिए हम लोग चिलेला जाएगा। चिलेला लगाने से जितना हवा तेज चलते है यहाँ लगाना पड़ेगा, अच्छा अपना धर्म के लिए ये लेके जाने से बहुत अच्छा। तो जितना हवा तेज चलेगा उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। जितना ये हवा चलेगा, हवा ऐसा करेगा ना, हाँ ऐसा करने के बाद ये जितना ही लेगा इतना अच्छा है। ये लेके जाओ चिलेला में लगाने के लिए। ठीक है सर, ये भूटान का बंगचुंग है, अच्छा बांस से बनाता है, हम लोग भाषा में ये बंगचुंग बोलेगा। अच्छा बंगचुंग मतलब ये हम लोग छोटे छोटे आदमी इसका अंदर में खाना लगा के ऐसा करके लेके जाते हैं, खाना अच्छा, लगा के, अच्छा। करके बाद में ये खोल के ऐसे खाना खाएगा, खा लेगा। तो बड़ा बड़ा आदमी लोग, अब लोग टूरिस्ट लोग इसमें खाना खाना खाने के लिए यूज नहीं करेगा, अच्छा डेकोरेशन के लिए ऐसा करके डेकोरेशन के लिए अपना घर में इंडिया में लेके जाके घर में ऐसा रखो डेकोरेशन हो जाएगा, डेकोरेशन के लिए। तो जितना आप लोगों को घर में गैस आएगा मालूम होगा जरूर भूटान में किया, भूटान का माल पहुंच गया। भूटान का माल पहुंच गया आपके घर में। थैंक यू। तो ये था मार्केट का एक ओवरऑल छोटा मोटा आइडिया, आपको लगी क्या होगा। टोटल 80 प्लस दुकानें हैं यहाँ पे, सब ऑलमोस्ट सेम तरह के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, बट आप 2-4-10 दुकान ज़रूर विजिट करिएगा क्योंकि प्राइसिंग एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग जगह अलग है। जैसे अगर मैंने मैग्नेट्स की बात की तो कहीं 80 रुपीज़ था, वही कहीं 60, कहीं 50 रुपीज़ में भी वो मिल रहा था। तो थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा और जो आपको लेना है उसको डिसाइड करके अलग अलग जगह पे प्राइस पूछ सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा टूर मार्केट का, फिर से जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिस, देखते हैं क्या हुआ, हमारा परमिट एक्सटेंड हुआ या होना ही चाहिए यार, हो जाए बस। सो गाइस एक्सटेंशन मिल गया है पासपोर्ट पे और एक नया स्टैम्प लगा दिया, 3 दिन का एक्सटेंशन मिल गया। और साथ ही हमने जो चलेला हा वैली और पुनाका के लिए स्पेशल परमिट लेना था उसके लिए भी अप्लाई कर दिया, 3 बजे आके वो मिलेगा, तब तक के लिए चलते हैं साइट सीन करने। सो गाइज वी आर एट मेमोरियल शॉर्टन, आप पीछे देख सकते हैं हमारे, और यहाँ से एंट्री है, एंट्री की कुछ फीस होती है, मैं अभी अंदर जाके आपको बताता हूँ और अंदर क्या कुछ है आपको मैं जाके बताता हूँ।
सो गाइज, यहाँ एंटर करने के लिए आपको टिकट्स लेनी पड़ती है। 300 रुपये की एक टिकट आएगी एक बंदे की, और अगर आप स्टूडेंट है, आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है, तो 150 रुपये का आएगा। 5 साल से कम के बच्चों के लिए फ्री है। समर टाइमिंग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, और विंटर टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक। अंदर चलते हैं। अंदर जो स्तूपा है वहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन जो बाकी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आप फोटो और वीडियो ले सकते हैं। तो चलिए, टिकट ले लिया है, अंदर चलते हैं। ये जो जगह आप पीछे देख रहे हैं, ये एक मेमोरियल जैसा है, और इसे थर्ड किंग की याद में बनवाया गया था 1974 में। और बाहर से तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, अंदर एक बार चल के देखते हैं। आप सर्कल में घूम सकते हैं यहाँ पे, और शायद पीछे कुछ मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। मोटा मोटी यही है जो देखने लायक है बस, और वो भी आप बाहर से देखते हो। अंदर पता नहीं ताला लगा हुआ था, अंदर जाने नहीं दिया गया। कुछ फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, और पीछे म्यूज़िक भी आप कुछ सुन रहे होंगे, पीछे गाने की आवाज़ आ रही थी। सो ओवरऑल यही है मेमोरियल चॉर्टन, और चाहो तो आप बाहर से भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 300 रुपये दे के अंदर आएँ, पर ठीक है, आपका मन करे तो आप आ सकते हो। ओवरऑल ऐसा ही सामने जैसे जो स्ट्रक्चर है, ऐसा ही स्ट्रक्चर चारों तरफ बना हुआ है, और लोग इसके गोल गोल चक्कर लगाते हैं। उस तरफ वहाँ पर कुछ बेल्स वो है जो बुद्धिस्ट यूज़ करते हैं, वो घूमता है उससे, उसमें कुछ मंत्र लिखे होते हैं, वो वैसी चीज़ है। और बस यही है मेमोरियल चॉर्टन। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। सो राइट नाउ वी आर एट द सेंटेनरी फार्मर्स मार्केट, और साधारण शब्दों में फार्मर मार्केट, सब्जी बाजार में। ये ऊपर का सेक्शन है, इसके नीचे भी है मार्केट। यहाँ पे आपको भूटान की जो लोकल प्रोड्यूस है वो सारी आसानी से मिल सकती है। यहाँ पे सब्जियाँ, दाल चावल, हर चीज़ें इस मार्केट में मिलती है। बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत पुराना मार्केट है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लोर करके थोड़ा बताता हूँ कि क्या है इस मार्केट के अंदर। और यह है वो चीज़ जिसके लिए भूटान सबसे ज़्यादा फेमस है, फॉर द चिलीज़। यहाँ पे हर तरह की चिलीज़ है, और ड्राइड, यहाँ कई सारी ड्राइड वेजिटेबल्स और कुछ ड्राइड मशरूम्स हैं। यहाँ ये आप देख रहे हैं पैकेट में, दीज आर ड्राइड मशरूम्स। क्या होता है कि जब ठंड का मौसम आता है, जब खाने की चीज़ें कम हो जाती हैं, तो उस वक्त ये लोग ये ड्राइड जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखा है उसको ये लोग बॉयल करके और फिर खाते हैं। और यहाँ पे ये गन्ना भी है, जिसे कि आप खा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। अब आपको सोचना है कि आप इसे कैसे खाएंगे। दीज आर बे लीफ, तेज पत्ता जिसे हम कहते हैं, फ्रेश है बिल्कुल ये। चलाओ चक्की, चक्की बहुत भारी है। थैंक यू सो मच। चक्की